Yes, good morning students. Today we are starting a new chapter, that is trigonometry, and today we are doing introduction to trigonometry. So please listen it carefully. Before starting the chapter trigonometry, I want to tell you some important things about the right angle triangle. First of all, you must know what is a triangle. After that, you must know what is a right angle triangle and some basic concept. So firstly, I will repeat that concept, and after that we will start the chapter. So first of all, your basic concept is what? What is a triangle? आपका जो basic concept आता है आपका यहाँ पर, वो क्या है कि triangle क्या होता है, ठीक है? तो पहला question आपका यही arise होता है कि triangle क्या होती है. Any three sided cross figure is called the triangle. कोई भी आपकी थ्री साइड वाली क्लोज फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि आपकी ये वाली जो है थ्री साइडेड क्लोज फिगर है. क्या बताया मैंने कि कोई भी आपके पास थ्री साइडेड क्लोज फिगर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं. इसमें देखिए थ्री साइड्स में आपकी वन टू एंड थ्री, एंड दिस वन इज क्लोज फिगर. क्लोज फिगर कौन सी होती है? जो चारों तीनों साइड से क्लोज होती है, ठीक है? तो थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड द ट्रायंगल. After that, I am telling you about right angle triangle. कि जो right angle triangle है वो क्या होती है? Any triangle having one angle 90 degree, it is called a right angle triangle. कोई भी triangle जिसका एक angle 90 degree का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, right angle triangle बोलते हैं. इस chapter के अंदर जो आपका नया chapter हम start कर रहे हैं आज, उसके अंदर हम right angle जो triangle है उसी से deal करेंगे, क्योंकि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली आपकी जो है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ द नीड. इस ये जो नया चैप्टर आपका हम आप करोगे उसकी नीड क्या थी, क्यों ये आपके सिलेबस में डाला गया है, तो पहले उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सपोज आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है? आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी. जो हमने कौन सी ट्रायंगल ली है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली है ए बी सी, जिसके अंदर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा और बेस कौन सा, ठीक है? बेस आपका है ये वाला, दिस वन इज बेस, दिस वन परपेंडिकुलर. ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है. और ये जो थर्ड साइड है आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है? अगर आपके पास दो साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी आपके पास दो साइड आपको पता है, सपोज आपके पास परपेंडिकुलर पता है आपको और जो बेस है बी सी ये आपको पता है, और आपको थर्ड साइड निकालनी है, ठीक है? तो आप इजीली निकाल सकते हैं कौन से कंसेप्ट से, पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट से, जो आपने लोअर क्लास के अंदर पढ़ी हुई है. रूल क्या होता है, एच का स्केयर इज इक्वल्स टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर. क्या रूल है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर दैट इज इक्वल्स टू पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर. इसको याद करने का सिंपल तरीका बताती हूँ. सपोज आपकी कोई टीचर है प्रीति बत्रा मैम, ठीक है? तो आप कैसे याद कर सकते हैं, हमारी प्रीति बत्रा मैम, ठीक है? हमारी प्रीति बत्रा मैम, और स्केयरिंग आपको करनी है. इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, हमारी तो लेफ्ट साइड पर और प्रीति बत्रा, ये नाम सोच लो कोई भी आप, वो राइट साइड पर, स्केयर करके ऐड कर दो आप, ठीक है? तो आपका फॉर्मूला लर्न हो जाता है, एच स्केयर इज इक्वल्स टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर. और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें इसको तो क्या बोल सकते हैं आप, कर्ण का स्केयर दैट इज इक्वल्स टू आधार स्केयर प्लस लंब स्केयर. ये भी आपका ठीक है, बट ये हिंदी में है, ठीक है? तो अब देखिए आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपके पास हाइपोटेन्यूज आपको पता है और बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये कंसेप्ट भी आप कहाँ से निकाल सकते हैं, इसी के अंदर आप जो भी दो वैल्यू आपको पता है, हाइपोटेन्यूज और बेस पता है आपको, एच की वैल्यू पुट कर दीजिए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास जो पी की वैल्यू है वो आपके पास निकल के आएगी. यहाँ पर एच किसको शो कर रहा है, हाइपोटेन्यूज को, पी किसको कर रहा है, परपेंडिकुलर को, और बी आपका कर रहा है बेस को, ठीक है? आपकी पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक आपको क्लियर हो गई है. रिजल्ट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का रूल क्या होता है, एच का स्केयर इज इक्वल्स टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर. जहाँ पर आपका एच क्या है, हाइपोटेन्यूज है, पी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी आपके पास क्या है, बेस है, ठीक है?
यहाँ तक बात आती है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसकी नीड क्या होती है। उसकी नीड यही होती है कि आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपके पास दो साइड्स पता है, कोई भी दो हो सकती है वो, और आपको थर्ड निकालनी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये आपने कंसेप्ट जो है लोअर क्लासेस में कर रखा है, सेवन्थ और एट्थ में कर रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम नए कंसेप्ट पर कि आपका जो नया ये जो टॉपिक डाला गया है सिलेबस में वो क्यों डाला गया है, ठीक है। देखिए आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको एक एंगल दे रखा है, ठीक है, और कोई भी आपको एक साइड दे दे। सपोज मान लो ये आपको उसने दे दी 12, ठीक है, एक एंगल दे दिया, ये आपको पता है कि 90 डिग्री का है, ये 12 दे दिया, और ये सपोज दे दिया आपको 30 डिग्री का। राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल्स आपको पता लग गए और एक साइड दे दी। अब वो कह रहा है हमसे कि इसकी जो बाकी साइड्स बच गई ना, दस वन साइड, आपको जो बाकी साइड्स बचती हैं दो और जो बाकी एंगल बचता है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर आप लोअर क्लासेस के बारे में जो आपने अब तक सीखा है अगर उसका हम कंसेप्ट देखते हैं, तो एक एंगल 90 है, दूसरा 30 है, थर्ड आप निकाल सकते हो इजीली। कौन से रूल से? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से निकाल सकते हो। वो क्या होती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लेकिन अगर आपके पास एक साइड आपको पता है तो आप बाकी दो साइड्स नहीं निकाल सकते। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो वो एप्लीकेबल कब है? जब आपके पास कोई भी दो साइड्स आपको पता है और थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक साइड गिवन है और आपके पास एंगल, आपके पास मान लो एक गिवन है, दो गिवन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर साइड एक मेंशन है तो आप बाकी की दो साइड्स जो हैं उससे आप बाकी की साइड्स नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है जिसके आपके पास दो एंगल पता है, एक साइड पता है, या फिर दो साइड्स पता है और आपको एंगल निकालने हैं, ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट आ गया। या फिर दूसरा कंसेप्ट क्या आ जाए कि आपके पास एक कोई भी ट्राइंगल दे रखी है, ठीक है, आपको मेंशन कर दिया कि ये जो साइड है वो 12 है, ये 5 है, और ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल शो कर दिया उसने। अब ये कह रहा है कि हमें बाकी की जो साइड्स हैं वो भी निकालने हैं और बाकी की जो एंगल्स हैं, दिस वन एंगल एंड दिस वन एंगल, ये भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये भी हम जो है पाइथागोरस थ्योरम से या फिर कोई भी और रूल जो आपने अब तक पढ़ा है उससे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास नया कंसेप्ट आया था, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो नीड आपको पता लग गई कि कोई भी ट्राइंगल है जिसके अंदर आपको या तो दो साइड्स पता है और आपको बाकी की चीज़ें निकालनी है, या फिर दो एंगल पता है और बाकी की चीज़ें निकालनी है। तो उस कंसेप्ट के लिए अब तक आपने जो पढ़ा है आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, लेकिन अब जो हम नया कंसेप्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, उसकी हेल्प से आप ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको पता लग गया कि नीड क्या है ट्रिग्नोमेट्री की, क्यों आपके सिलेबस में डाला गया है। अब हम करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो एक ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से? ट्राई गोन मेट्रोन। ट्राई का मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड, एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। इन सबको जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है? ट्रिग्नोमेट्री। मीनिंग आपको पता लग गया, इसको ब्रेक कर दो, ट्राई गोन और मेट्री, मेट्रोन इसको हम बोल सकते हैं, ग्रीक वर्ड से आई। जब ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड्स, एंड मेट्रोन मीन्स मेजर, इन जब तीनों को हम मिला देते हैं तो क्या बनता है? ट्रिग्नोमेट्री बनता है, जो कहाँ से डिराइव किया गया? ग्रीक वर्ड। ये तीनों आपके ग्रीक वर्ड है, इनको मिला के आपका ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया गया है, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो होती क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो पहले आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्री। डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। कि ये जो है वो एक स्टडी है किसकी? रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। कि कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइड और जो एंगल है उसकी जो रिलेशनशिप होती है उससे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो डील करेगी। एक तरीके की स्टडी है किसकी? रिलेशनशिप के बीच में साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। वो मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल के दो एंगल्स पता है और आपको साइड्स निकालनी है, या फिर दो साइड पता है आपको एंगल्स निकालने हैं, उससे जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो डील करेगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई थिंक आपको क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डील करती है
साइड और एंगल ऑफ ट्रायंगल्स से, ठीक है, उसकी जो स्टडी है वो आपकी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। अब देखिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है आपका, वो क्या आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स क्या होता है, ठीक है। तो वो देखिए क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, कि जब हम रेशियो निकालते हैं साइड ऑफ राइट ट्रायंगल की, जब हम रेशियो निकालते हैं साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, उसके एक्यूट एंगल के साथ किसकी साइड की, किसकी राइट एंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी साइड की हम रेशियो निकाल रहे हैं एक्यूट एंगल के साथ। अब आपको बताना चाहिए एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, और यू कैन से इफ सपोज एंगल इज थीटा हेयर, जब थीटा आपका 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, वो एंगल्स आपके कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। और राइट एंगल कौन सा होता है, जब 90 डिग्री होता है आपका जो एंगल होता है, अगर वो आपका 90 डिग्री है तो वो आपका कैसा एंगल होगा, राइट एंगल। दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ एंगल्स। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बता दी मैंने कि रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, जब उसकी हम रेशियो निकालते हैं एक्यूट एंगल के साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स। अब आपको जो मैथमेटिशियन है उन्होंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दे रखी हैं जो आपको एज इट इज़ लर्न करनी है, ठीक है। लर्न करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। देखिए आपके पास सबसे पहले 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जो हमें मैथमेटिशियन ने दे रखी हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट क्या आती है, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी बाय एच, पी क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इफ सपोज दिस वन इज़ पी दैट इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस वन बेस बी एंड दिस वन इज़ हाइपोटेन्यूज, अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर है पी, ये आपके पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज देखे क्या आएंगी, जो साइन थीटा होता है वो पी बाई एच होता है, यहाँ से देखिए साइन के नीचे मैंने क्या लिखा है, पी बाई एच, कोस के नीचे क्या लिखा है, बी बाई एच, टेन के नीचे लिखा है पी बाय बी, वही लिखा है। इसको याद करने का तरीका देखिए क्या है, इसको याद करने का तरीका आपका है, आपको जस्ट एक लाइन याद रखनी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, देखो क्या बोल रही हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, आपको इस तरीके से याद करना है। अब जब आप ये लाइन लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर एक का फर्स्ट वर्ड आपको लेना है अल्फाबेट, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, बी मतलब बेस, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अपना जो फॉर्मूलाज हैं जो हम लिख रहे हैं वो देखिए कैसे लिखना है, साइन के नीचे क्या है, पी और एच है, तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू पी बाय एच, नेक्स्ट कोस, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी बाय एच, ठीक है। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाय बी, टेन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और थीटा आपका ये वाला एंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से जो टेन थीटा की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, पी बाय बी। आफ्टर दैट कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड और ये थीटा, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या है, आप रेसिप्रोकल करना है आपको, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंड, साइन के नीचे मैंने यहाँ मेंशन किया है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंड और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा, ठीक है। तो ये देखिए कोसिकेंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच बाय पी, सीकेंड की वैल्यू हो जाएगी एच बाय बी एंड कोट इज बी बाय पी, वो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, कोसिकेंड इज इक्वल्स टू एच बाय पी, सीकेंट इज इक्वल्स टू एच बाई बी एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू कोट बी बाय पी। अब ये देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, कि कोई भी ट्राइंगल है उसके जो एंगल है उसकी और लेंथ ऑफ साइड की रेशियो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लर्न करने का तरीका आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं और वहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि
जैसे मैंने यहाँ लिखा है साइन थीटा, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम टाइम में ओनली साइन लिख देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3/5 मान लो ये है, तो इसका कोई मीनिंग भी मीनिंग नहीं है जब तक इसके साथ एंगल नहीं आएगा। जैसे साइन थीटा लिख दो आप, ए लिख दो, कुछ भी आ सकता है, आपके ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो एंगल है वो ज़रूरी है इसके साथ लिखना, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। इस वीडियो में आपको मैंने जो भी बताया है, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत वाइड है, अभी मैंने थोड़ा सा उसका जो पार्ट है वो आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।